नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, यह है शाम का टाइम और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा शाम शाम को ही। और आज इस वीडियो में पतंजलि का एक एक भवन कौन सा कहाँ पे है, कैसे है, कहाँ योगा सेंटर है, कहाँ ट्रीटमेंट सेंटर है और कहाँ पे ओपीडी है, मेन गेट से लेकर लास्ट तक कोशिश करूंगा दिखाने की। और आप इस वीडियो में बने रहे तो चलते हैं, हम भी नहीं घूमे, हम भी तय क्या होंगे। देखने और का टाइम नहीं लगा पूरा। थोड़ा आज थोड़ा सा देखता सा हूँ तो मैं। नहीं है, अभी भी 7 बज रहे हैं, लेकिन नहीं, बात यह है कि आज वो अकड़ाट कम है आज, नहीं, अगली बार फिर जैसे हमें खाएंगे। कल हमारा लास्ट डे है, फिर कल नहीं जाने के, कल डिस्चार्ज हो जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी हाँ थोड़ा सा टाइम है, मगर चलो हम भी घूम आएंगे और आप सबको भी घुमा देंगे कि क्या कहाँ है सब कुछ। तो हमने भी नहीं देखा, बस जहां जरूरत है वही जाए। तो चलते हैं, चलो। सर तो देखिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ का मेन गेट और इसके सामने ही रोड है। मेन गेट से जैसे ही एंटर करते हैं, ये पार्किंग आ गई यहाँ की, और पार्किंग से एंटर करने के थोड़ा सा चल गई राइट लेफ्ट साइड में, ये होगा ओपीडी। यहीं पर स्टेशन काउंटर है और यहीं पर अंदर है ओपीडी, और इसमें ही यहीं पे पता लग जाएगा कौन सा रूम मिलना आपको, कहाँ कौन सा ब्लॉक मिलना, यहीं पे पता लग जाएगा सारा। रजिस्ट्रेशन काउंटर भी वहीं है और रिसेप्शन भी वहीं है, दोनों चीज़ हैं वहीं पे। और फिर इधर, हाँ इधर ही रास्ता जा रहा ब्लॉक्स में, अलग अलग ब्लॉक हैं, ये तो पता नहीं कितने होंगे, 5, 6, 7 जितने भी होंगे। हाँ, और ये देखो फाउंटेन बहुत अच्छा लग रहा। और यहाँ की एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पे जो पेड़ पौधे मेंटेन कर किए हुए हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किए हुए हैं, फूलों वाले और बिना फूलों वाले भी, यानी कि कटिंग उनकी बहुत अच्छी तरीके से है। और ये देखो जो लाइन बनी हुई ना पेड़ों की, यानी कि ये मुझे लग रहा कुछ पेड़ इनमें ऐसे है, कुछ पेड़ ये 3 महीने या 2 महीने बाद चेंज हो जाते होंगे। हाँ, ये छोटे छोटे से ये अभी लगाए, तो ये चेंज करते रहते हैं ये। और इस रोड पे से ही ये इधर देखो, ये है पतंजलि का भोजनालय, ये मतलब किचन वो मान लो कैंटीन। और इसी की साइड में इधर है ये स्टोर, मेगा स्टोर, जहाँ से दवाई भी मिलती है, सारा सामान मिले यहाँ से जो भी पतंजलि का है। और जी ये है यहाँ का भोजनालय, इसके ऊपर ओपीडी है जिसका गेट वहाँ से ही बताया था मैंने, ओपीडी का गेट वहाँ से ही है, ये भोजनालय के ऊपर है। और ऐसे ही चलते रहेंगे, थोड़ा चलने के बाद आप देखोगे ये तिराया, तीन रोड जा रही है, इस पर तीन रोड जा रही है। और ये गोल चक्कर सा है, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है महिला चिकित्सालय, पता नहीं क्या है, ये उनका नाम है, हाँ मुनियों के नाम से इन्होंने ये ब्लॉक बना रखे है, सारे जो है योगियों के नाम से ही ब्लॉक बना रखे। और पेड़ों की कटिंग देखो जी कितने हिसाब से कर रखी, बिल्कुल ऐसा जैसे पेड़ पार्क में नहीं चले जाते कहीं पे। हाँ, पार्किंग बहुत अच्छा वो बना रखा, ये देखो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ। और ये फिर नेक्स्ट फाउंटेन आ जाता है, ये पेड़ देखो बहुत अच्छे फूल लग रहे हैं। हाँ, और ये आगे फाउंटेन, तो इससे आगे बढ़ते ही हम राइट साइड लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे, ये किचन है शायद, पक्का नहीं पता ना हमें, इधर काम पड़ा कुछ, इधर में जनरेटर किचन होगा यार, उससे परे हुए जनरेटर है। और ये भवन आ गया जी एक दूसरा, ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये जो भवन बता रहा था मैं आपको, ये है प्रसादम, यहाँ पे क्या होता है वीआईपी लोग खाना खाते हैं, और जो किसी पेशेंट के साथ दूसरा आदमी आया वो भी खाना यहीं पे बनता है उसका, यहीं पे मिलता है। फिर थोड़ा आगे आगे जो इधर है, यहाँ एमटीसी है, यानी के मेल ट्रीटमेंट सेंटर। तो यहाँ पे देखो जी, ये
सारे गुलाब हैं और ऐसे परे तक अलग अलग तरीके के कलर अलग अलग है। बिल्कुल छोटे छोटे भी कोई कोई। यहाँ पे लाइट कम है इसलिए सही से नहीं दिख रहा होगा आपको। ये गुलाब ही है वहां से बहुत दूर तक जहाँ तक ये रास्ता जहाँ तक है रोड तक। और ये आ गया जी वेलनेस, मतलब योग भवन। वेलनेस तो इसका ही नाम है। ये आ गया योग भवन, ये इसका इधर का मेन गेट है। वैसे उधर है तीन चार गेट, उसमें से ही आते जाते हैं सब। और नहीं इधर से नहीं जाता कोई। और इसी के सामने वो है MTC यानी कि मेल ट्रीटमेंट सेंटर, जो आपको मैंने पहले दिखाया था। यह है जी योग भवन। और जो स्टेज चमक रही है आपको वहां बैठते हैं बाबा रामदेव और इधर सब बैठते हैं। और इसी योग भवन में एक पार्टी इधर बना रखा है इन्होंने फिजियोथेरेपी का, जिम वगैरह भी होता है यहाँ, सारा कुछ है। ये है जी। और इसके गेट इधर ही है साइड में, यहाँ से ही आते जाते हैं ज्यादातर जहाँ से हम आए। ऐसे ही गेट लगे हुए हैं जी तीन चार इसमें। और ये देखो कूलर, ये कूलर हैं इधर बड़े बड़े। अब चलते हैं आगे। और आगे का तो हमने भी नहीं देखा, इस तक यहाँ तक कूलर है जी। ये चार पांच है पूरे हॉल में बड़े बड़े कूलर, इतने उधर होंगे दूसरी साइड। अच्छा योग भवन के सामने ये तीन पेड़ है जी। खजूर के नहीं, ये कहें के हैं ये आपको कमेंट में बताना सब कोई। और अपनी उपस्थिति देनी, कौन कौन देख रहा वीडियो। ये जरूर बताइए आप कहें के पेड़ है ये। तो पहली बार देखे, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया नहीं, कुछ अलग से ही बिल्कुल। दिन में बहुत सुंदर दिखे हैं, अब तो लाइट नहीं है यहाँ। चलो चलते हैं आगे। देखिए जो ट्रीटमेंट सेंटर में जाता है रास्ता, वहां से ही नंबर वन ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ये सामने ही नंबर वन है, इसमें भी ऐसे ही है। हाँ जैसे उधर है ऐसे इधर है, काफी ऊंचाई तक बने। 1 2 3 4 5 मंजिल है ये, पांच पांच मंजिल गए सारे के सारे। इनमें तो मुझे लग रहा 50,000 आदमी रह जाएंगे एक साथ। ये है जी दो नंबर, ब्लॉक नंबर दो। और इसी के सामने है ब्लॉक नंबर तीन। और इससे आगे चल के ब्लॉक नंबर चार हो जाएगा, चार और इससे परे पांच। तो ये पहली वीडियो में भी देखे होंगे आपने फाउंटेन, बहुत अच्छे लगते हैं। और कलर चेंज होता रहता है इनका, अब ये कलर है थोड़ी देर में कुछ और कलर आ जाएगा, फिर कुछ और कलर आएगा, ऐसे चेंज होते रहते हैं। अब ब्लू हो गए, फिर रेड हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। ये तो ये हो गए जी, जैसे मैं आपको दिखा रहा था ये चार नंबर, और ये होगा आपका नहीं ये तीन नंबर, और ये आपका चार नंबर, और वो पांच, और ये होगा छह नंबर जिसमें हम रुके हुए, और वो है सात नंबर वहाँ। यानी के 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ से आपको मैंने सारे ब्लॉक दिखा दिए। तो जी इतने में ही घूमे हम, इतना ही मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन इससे बाहर भी है, एक गेट इधर है एक गेट उधर है, तो उससे बाहर भी बहुत कुछ है देखने के लिए। और ट्रीटमेंट भी पता नहीं बाहर भी कुछ हो गया इनका, वो हमें पता नहीं है। मड़ बोलते हैं वहाँ पे, कोई लेप वगैरह किया करा जा, जो मतलब जैसे एलर्जी वगैरह हो किसी को या कोई ऐसा लेप किया जा, बड़ी बड़ा ट्रीटमेंट होता है, मड़ बोलते हैं उसको। तो जैसा पेशेंट आते हैं ना, तो उनको बोलते हैं, मैंने सुना कि मड़ में चले जाओ आप, तो इधर है वो बाहर ही है। तो इधर होगा कहीं वो गेट खुल के उधर जाता होगा।
तो देखिए जी, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सारा ही दिखा पाऊँ आपको छोटी वीडियो में। तो ये था सारा पतंजलि वेलनेस का, क्या चीज़ कहाँ पे है, क्या चीज़ कहाँ पे है, वो सारा दिखाने की कोशिश करी मैंने। और अब हो रहा खाने का टाइम शाम का जो है, और हम फिर से आ गए घूम फिर के वही भी भोजनालय के सामने, कैंटीन के सामने। तो जी इस वीडियो को विराम देते हैं यहीं पे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।